23 अप्रैल को इंडिया विक्स गिरा 20% से। आइए समझते हैं विक्स क्या है, ये इतना क्यों गिरा और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी कैलकुलेट होती है इंडिया विक्स से। ये एक एनुलाइज नंबर होता है जो कैलकुलेट होता है निफ्टी 50 के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉल एंड पुट ऑप्शंस के प्रीमियम से। ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम मतलब ज्यादा विक्स मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी और कम विक्स मतलब कम वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन रिजल्ट्स आने के 3 महीने पहले से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं ये सब गैसी करते हैं। कौन सी गवर्नमेंट किस फॉर्म में आ रही है उसका शेयर मार्केट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ये अनसर्टेनिटी के चलते वॉलेटिलिटी बढ़ती है, पर इस बार कुछ उल्टा ही हो रहा है। विक्स बढ़ने के बदले गिरने लगा है। क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट को इलेक्शन रिजल्ट की सर्टेनिटी दिख रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? विक्स गिरने का एक और रीजन हो सकता है निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉट साइज 50 से घटकर 25 हो जाना मे कॉन्ट्रैक्ट से। इससे स्प्रेड्स कम होंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो कैलकुलेशन के हिसाब से विक्स कम होगा। मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का थोड़ा ठंडा होना भी इंडिकेट कर सकता है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा डर नहीं है। वैसे विक्स के गिरने का मतलब मार्केट पॉजिटिव की ओर जाना होता है, लेकिन कभी कभी मार्केट हाईस के पास विक्स कम हुआ है तब मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऐसा इसके पहले लास्ट ईयर सितंबर एंड में हुआ था जब विक्स 10 की वैल्यू के नीचे आ गया था। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स गिरते गिरते 20,200 से सीधा 19,500 के लेवल्स पर आ गया। इस बार विक्स का गिरना क्या इंडिकेट कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।